हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर जिनका हमने जिक्र किया था उस समय पहुंचे नहीं थे, एक बार फिर आपके समक्ष बता दें। रमेश जी की शुरुआत इंडियन एयरफोर्स के दिनों की है, वहां से इन्होंने जिस तरह से वीआरएस लिया और उसके बाद बिजनेस की दुनिया में आए और शुरुआती दिनों में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जिस तरह से आए, शुरुआत दो ट्रक्स के साथ हुई और धीरे धीरे इन्होंने इस क्षेत्र को काफ़ी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है जो कि काफ़ी असंगठित रहा करता था। कई नई पहल इनकी तरफ से हो रही हैं, इनोवेशन हो रही हैं और नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सो मिस्टर रमेश अगरवाल, चेयरमैन अगरवाल पैकर्स, बता सकें आपकी जो पूरी जर्नी रही, इसमें आप अब जो पीछे मुड़कर देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स को क्या बताना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे प्लान करनी चाहिए, क्या आपकी तरफ से टिप्स हैं, जब टेक अवेज क्या लेकर जाएं यहाँ से आपकी कहानी से? मैं अभी सुन रहा था जो राठी साहब की कहानी 500 रुपये वाली, तो कहीं लग रहा था कि मेरी कहानी भी कहीं नज़दीक से पास से गुजर रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में मैंने 1979 में भर्ती हुआ और जगह भी जो मैंने सेलेक्ट की वो J&K, करगिल, थवाइस, लेह, लद्दाख, अवंतीपुरा, बारामूला, दरास, -30 डिग्री टेम्परेचर में मेरे को रहने का मौका मिला। उसके बाद फिर वो सर्विस छोड़ी और फिर ये लॉजिस्टिक का काम किया। मैं जो मेरा जितना भी जो एक देश का है वो साथ के साथ चुकता करते रहो, नहीं तो बहुत बड़ा भारी कर्जा हो जाएगा और उस टाइम आपके पास पता नहीं हो ना हो तो बहुत महंगा पड़ेगा। आज हम जो यहाँ सब बैठे हुए हैं, दूसरा एक में जब मैंने व्यापार शुरू किया तो दैट माई पीपल, मेरे जो साथ में काम करने वाले लोग, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी बट दे आर वर्किंग विद मी, बस इतना ही फर्क है। ये पीपल आर वर्किंग विद यू, आपको कोई नहीं हराने वाला, ये पीपल आर वर्किंग फॉर यू, आपको कभी भी गिरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेनी कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रमेश अगरवाल, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, थैंक यू वेरी मच सर, विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक योर सीट्स, बहुत बहुत शुक्रिया।